आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपने मोबाइल में GTA San Andreas गेम कैसे डाउनलोड करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें डाउनलोड करने के लिए अपने UC ब्राउज़र में जाना होगा। UC ब्राउज़र में जाने के बाद गूगल उसमें ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है GTA San Andreas फाइल डाउनलोड। यहाँ पर मैंने सर्च किया है, मैं इसे क्लिक कर दे रहा हूँ। करने के बाद यहाँ फर्स्ट में आपका ये आएगा एक लिंक, इस पर क्लिक करना है techlist.com। इस पर फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे GTA San Andreas डाउनलोड नॉर्मल प्लस मोड APK प्लस OPV एंड्रॉयड, यहाँ पे आप नीचे आना है। नीचे आने के बाद इसका कुछ इमेज दिखा रहा है और यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दूसरा ओपन हो जाएगा पेज और यहाँ पे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड GTA APK यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपका APK यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से APK 24 MB का है, APK फाइल यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों मैं पहले से डाउनलोड कर लिया हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसे पाउज कर दे रहा हूँ और यहाँ से GTA से मोड नहीं करना है आपको। आपको करना है OBV फाइल, यहाँ पे नीचे आके OBV फाइल डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद 1.78 GB का है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए इसे। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ पहले से ही, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपने जाना है फाइल में जहाँ वो फाइल डाउनलोड हुआ है। उसके बाद जाना है जहाँ वो फाइल डाउनलोड हुआ है। मैं बैकअप में रखा हूँ अपना फाइल, तो यहाँ आपके एक ऐसा फाइल बन के आएगा ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास OBV। तो इस ये जिप फाइल में इसे आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, इसे अनजिप कर दीजिएगा यहाँ से अनजिप। तो मैं इसे पहले से ही कर लिया हूँ अनजिप। यहाँ आपका com.rockstar.gta से यहाँ पे है। तो यहाँ पे दो फाइल है, इसको आपको मैं बताता हूँ कहाँ पेस्ट करना है। और यहाँ पे APK आ गया है मेरा फाइल, जो आप एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं फाइल इस ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास फोल्डर में com.rockstargame.gta से। इसमें जो दो फाइल है उन दोनों फाइलों को इस फोल्डर के ही साथ अपने इंटरनल स्टोरेज में मूव कर देना है, एंड्रॉयड फोल्डर में और OBV फोल्डर में। उस फोल्डर के ही साथ इसको मूव कर देना है। तो मैंने यहाँ पे मूव कर दिया है। मूव करने के बाद आपने जो APK फाइल इंस्टॉल किया था, डाउनलोड किया था, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आपका गेम 100% ओपन हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे मेरा इंस्टॉल हो चुका है फाइल। इंस्टॉल होने के बाद मैं अपना जा रहा हूँ मेनू पे। जाने के बाद यहाँ पे GTA से दे रहा है, इसको ओपन कर लेना है। तो आपका यहाँ पर गेम ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट गेम पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों गेम आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ऑफलाइन पे क्लिक करके इसे ओपन करना है। यहाँ पर स्टार्ट गेम, न्यू गेम। देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुका है, आप गेम का आनंद ले सकते हैं। देखिए मैं आपको खेल के भी दिखा दे रहा हूँ, ये दोस्तों फेक नहीं है, ये रियल है। मैं जैसे जैसे स्टेप बताया हूँ आप उस स्टेप को फॉलो कीजिए और अपने गेम को डाउनलोड कर लीजिए, आपका गेम 100% ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका गेम ओपन हो गया, आपका गेम यहाँ पे ओपन हो चुका है। देख लीजिए मैं कोई फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे आप गेम का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।